सब फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सब की दुआ से। और आज मेरा कुछ ब्लॉग है, आज यू में नेशनल डे था तो मैंने कहा कि कुछ चलो मैं भी कुछ वीडियोस कर लेती हूँ। जब हम बाहर गए थे तो कुछ ऐसा खास नहीं था क्योंकि कोरोना था, तो कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो रहा, कैसा सेलिब्रेट इन लोगों ने, हर चीज़ पर फाइन था। तो चलिए मैं थोड़ा बाहर गई थी, हमने कहा था कि कुछ खा लेते हैं तो हम फिर गए थे। यहाँ पर बहुत अच्छी सारी डिज़र्ट मिलती हैं, हम यहाँ पर गए थे, मैंने कहा चलो यहीं पर मैं वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पर हम घर से भी निकले ही थे, रास्ते को मैंने थोड़ा वीडियो दिया था, हम काफ़ी लेट गए थे क्योंकि हमारी गाड़ी लेट आई थी। तो हम लोग रास्ते में भी हैं बिल्कुल भी, अब अपने घर के से बाहर ही निकले थे, थोड़ा ही बस फासला था, हम लोग आगे निकल चुके थे। और यहाँ पर कुछ थोड़े थोड़े डेकोरेट किया हुआ था इन लोगों ने, झंडे सारे फ्लैग्स लगा लिए थे। पर जब हम शारजा सेंटर हम लोगों ने किया था तो बिल्कुल भी कुछ भी सही था, ऐसे लग रहा भी नहीं था कि नेशनल डे आज है। और जब यूएई में नेशनल डे आता है तो बिलीव में इतना यूएई को इतना प्यारी दुल्हन की तरह से, दुल्हन से बढ़कर सजाया जाता है, बहुत ही हर कोना कोना यूएई का सजाया जाता है, हर एक घर में फ्लैग्स होते हैं यूएई के। और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था शायद कि यहाँ पर मैं ये एक कासिम करोड़ है जहाँ पर हम लोग हमेशा आते जाते हैं, मतलब कि हमेशा नहीं हमेशा आते थे, जब मम्मा हॉस्पिटल जाती थी हम लोग यहाँ पर इस रास्ते में ज़्यादा जगह ये करते थे। सो वो हॉस्पिटल को बड़ा प्यारा प्यार किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे देखकर इतना अजीब लग रहा था कि मैंने देखा यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। यहाँ पर हम लोग फिर आ चुके थे, हम लोग बस चॉइस कर लेते हैं हमें क्या लेना है, और यहाँ पर हम अपनी चीज़ें सिलेक्ट कर रहे थे और देख रहे थे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और ये मीठी चीज़ें मुझसे खाई नहीं जाती है, देखने की इतनी अच्छी होती है, बस खा लो ना एक दो बस बाइट ले लो, उसके बाद तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सो मैंने हम लोगों ने कुछ चीज़ें अपनी ऑर्डर कर ली थी, बस हम बैठे हुए मैं ये देख रही थी अभी और क्या देख करना है। और यहाँ पर हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा था, जब तक हम लोग बैठे हुए थे अंदर ही हम देख रहे थे और क्या हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल 50% डिस्काउंट था नेशनल डे के लिए। और मेरे छोटे भाई और मेरी बहन को यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, वो लोग अगर जब भी कहीं भी कुछ होता है तो ये यहाँ से अगर अपने लिए चीज़ ले लेते हैं, स्वीट डिश कुछ भी हो जाए वो यहीं से लेते हैं, इनको यहाँ की चीज़ बहुत पसंद है। और मुझे इतनी पसंद है, मीठी चीज़ें देखने में अच्छी लगती है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन मुझे बहुत शौक है, पता नहीं क्यों मुझे खाई इतना ज़्यादा नहीं जाती है। यहाँ से हमारा सारा सामान पैक हो चुका था, हम लोग बस निकल हम लोग आ चुके थे, मैं देख रही थी मुझे इतना अजीब लग रहा था। यहाँ की हर एक मार्केट हर चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सज जाती है, झंडे लग जाते हैं। और ये रोड तो बिल्कुल ज़्यादा बहुत ही अच्छा लगता है जब यहाँ पर नेशनल डे होता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। और ये शारजा की सबसे बड़ी मॉस्क है ये साउथ। और यहाँ पर भी जब रमज़ान होता है, तरावी होती है 27 रोज़ा होता है, तो यहाँ पर माशाल्लाह ये पूरे रोड बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। और अभी हम अजमान आ चुके हैं, बस हमारे हम अजमान से शारजा गए थे, अभी हम वापस आ चुके थे हमारे घर। और अजमान शारजा अजमान में इतना फ़र्क ऐसे हमें नहीं लगता, जल्दी में आ जाते हैं हम लोग, आजकल तो पता ही नहीं चलता है। और जो मैंने चीज़ें ली थी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये केक मेरे भाई का फेवरेट है, लावा केक, उसे बहुत पसंद है, तो उसने मुझे ये कहा था कि मुझे यही केक चाहिए, तो हमने उसके लिए यही केक ऑर्डर किया था। और मैंने अपने लिए जो चीज़ें थी अपनी बहनों के लिए मैंने कुछ ऑर्डर्स की थी, लेकिन हम लोगों ने जितना है मतलब जैसे लेकर आए थे ना, हमने उतने नहीं खाया क्योंकि थोड़ी सी स्वीट चीज़ खा लो तो उसके बाद तो मन पता नहीं अजीब कैसा हो जाता है, एकदम से नहीं खाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कुछ पोस्ट वोस्ट कर रही ले रही थी इनके। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा।